leads to question number 25 of exercise 10b, that is quadrilaterals. Question number 25 is K, L, M, N are the points on the side AB, B, C, C, D and DA respectively of a square. Iska matlab hai A, B, C, D kya hai? Ek square given hai hume, jis pe wo keh raha hai C, D. Respectively ka matlab hai line wise ki AB pe ek K point hai, ye K point hai, BC pe ek L point hai, CD pe ek M point hai और DA पे एक एंड पॉइंट है, राइट फ्रेंड्स. अब वो क्या कह रहा है, सच दैट A के इक्वल है, ये A के इक्वल है किसके, BL के, ये वाला ये इसके इक्वल है, और CM इक्वल है, ये CM इक्वल है किसके, DN के, इसके इक्वल है. तो हमें प्रूव करना है दैट K L M N इज स्क्वायर. जो ये K L M N बना, ये स्क्वायर है, ये प्रूफ करना है, राइट फ्रेंड्स. तो हमें क्या गिवन दे रखा है, हमें गिवन दे रखा है कि A B C D इज अ स्क्वायर, एक स्क्वायर है, और क्या दे रखा है, A के इक्वल है B L के, ये इक्वल है C M के, और ये इक्वल है D N के, राइट फ्रेंड्स. ये गिवन दे रखा है, हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, के एल एम एन इज अ स्क्वायर, ये भी स्क्वायर एक, ये प्रूफ करना है, राइट फ्रेंड्स. तो कैसे करेंगे प्रूफ, हमें पता है ए बी इक्वल है बी सी के, और इक्वल है सी डी के, इक्वल है डी ए के, क्योंकि ये स्क्वायर है और ये हमें गिवन है, राइट फ्रेंड्स. अब मुझे पता है ए बी इक्वल टू बी सी लेती हूँ, अगर मैं ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी को क्या लिख सकती हूँ, ए के प्लस के बी, बी के ए के प्लस बी के, और बी सी को क्या लिख सकती हूँ, बी एल प्लस सी एल, बी एल प्लस सी एल, राइट फ्रेंड्स, ये लिख सकती हूँ. अब ए के हमें पता है बी एल के इक्वल है, तो ए के की जगह मैं बी एल लिख सकती हूँ, तो बी एल प्लस बी के equals to BL plus CL. देखिए ये A के BL के equal था, because AK is equals to BL. Right friends, तो BL BL क्या हो गया, cancel हो गया, तो BK किसके equal आ गया, CL के, ये वाला इसके equal आ गया. जब ये side इसके equal आ गई, similarly मैं इस side और इस side को equal पर prove कर लिया, और इस side को similarly आप लिख सकते हैं, या चाहें तो अलग अलग, similarly बी के इक्वल्स टू सी एल आ गई, इक्वल्स टू डी एम आ गई, इक्वल्स टू ए एन आ गई, राइट फ्रेंड्स. ये देखिए ये इसके इक्वल था, इसके इक्वल था, और इसके इक्वल था. अब ये इसके इक्वल हो गई, इसके इक्वल हो गई, और इसके इक्वल हो गई, सिमिलरली कर दी, इन इन इस साइड और इस साइड को प्रूव किया, और बाकी सिमिलर कर दी, राइट फ्रेंड्स. क्योंकि हमें पता है ए के बी एल के इक्वल था, तो ये भी इसके इक्वल प्रूफ कर दी हमने. अब ये और ये ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल अगर इसको स्क्वायर प्रूफ करने के लिए 90 डिग्री के साथ साथ अगर मैं ये सारी साइड्स इक्वल प्रूफ कर देती हूँ, 90 डिग्री हो या ना हो, पर सारी साइड्स इक्वल प्रूफ कर देती हूँ, तो हम कह सकते हैं ये स्क्वायर है. तो इन ट्राइंगल एन ए के, एन ए के एंड ट्राइंगल एल बी के, एल बी के, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखें ए के बी एल के इक्वल था, ए के इज इक्वल्स टू बी एल गिवन है हमें, राइट फ्रेंड्स. और हमें पता चला एन ए एन इक्वल हुआ बी के, ए एन इक्वल हुआ बी के, प्रूव्ड अबव, ये रही, ये रहा प्रूव्ड अबव, कहाँ प्रूव किया, देखिए ए एन और बी के, राइट फ्रेंड्स, ये इसके इक्वल हो गया. अब एंगल ए एंगल बी 90 डिग्री है क्योंकि स्क्वायर है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी ईच 90,
राइट ट्रेंड्स, तो हमारे ये ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्करेंट हो गए. तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल एन ए के इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल एल बी के बाय कौन सा रूल, ये वाली साइड, ये वाली साइड और एंगल. तो ये कह सकते हैं साइड एंगल, साइड रूल. राइट फ्रेंड्स, ये दोनों कॉन्करेंट हो गए. अब जब ये दोनों कॉन्करेंट हो गए तो मैं कह सकती हूँ के एन या एन के इज इक्वल टू, एन के इज इक्वल टू के एल बाय सी पी सी टी सी. राइट फ्रेंड्स, अब ये और ये हमने इक्वल प्रूव कर दिया. राइट, अब सिमिलरली मैं कह सकती हूँ अगर इन ट्राइंगल दिस दिस ये इसकी इक्वल है. सिमिलरली जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्करेंट हो गए, सिमिलरली ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्करेंट हो गए. ट्राइंगल के एल बी के इज कॉन्करेंट टू एल बी के is concurrent to LCM, triangle LCM by कौन सा रूल, सेम रूल SAS रूल से. और जब ये concurrent हो गए तो हम कह सकते हैं KL किसके इक्वल था, LM के. राइट फ्रेंड्स, बाय CPCTC. अब जब ये दो ट्राइंगल्स concurrent हो गए तो मैं कह सकती हूँ Similarly, triangle LCM concurrent होगा किसके, triangle NDM के by SAS rule. Right friends, SAS rule के जब ये दोनों concurrent होंगे तो क्या होगा, LM equal होगी किसके, NM के. Right friends, by CPCTC. तो हम कह सकते हैं कि सिमिलरली आप चाहें तो इन दोनों एंगल्स को भी कॉन्करेंट लिख सकते हैं. सिमिलरली ट्राइंगल एन डी एम इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल एन डी एम इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल एन ए के बाय एस ए एस रूल. और ये साइड एन एम कॉन्कर इक्वल आ गई के एन के. राइट फ्रेंड्स, या एन के राइट, सी पी सी टी सी. अब सारी साइड्स इक्वल हो गई. अब मैं कहूँ के एल इज इक्वल्स टू एल एम इक्वल्स टू एम एन इक्वल्स टू एन के. राइट फ्रेंड्स, तो हेंस के एल एम एन इज अ स्क्वायर आंसर. Thank you. If you understand the step-by-step solution of this video, please subscribe my channel on Maths and share it with your friends. Thank you.